नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SBI मेडिसिन में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बेटनोवेट GM क्रीम के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशनरी आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेटनोवेट GM क्रीम ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस होती है ₹34.05 पर पैक। ये 20 ग्राम के पैक में होते हैं, जिसका कंटेंट होता है बेटामेथासोन, जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल। इस क्रीम का यूज आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। यह क्रीम आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। बेटनोवेट GM क्रीम एक स्टेरॉइड क्रीम है। इस क्रीम का यूज स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस क्रीम में होने वाला बेटामेथासोन एक स्टेरॉइड है, जो उन प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनने से रोकता है जो स्किन की सूजन, रेडनेस और खुजली का कारण बनते हैं। और जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और मिकोनाजोल एक एंटीफंगल है जो स्किन पर फंगी की ग्रोथ को रोकता है। ये क्रीम स्किन से जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे कि अगर आपको स्किन पर दाद, खाज, खुजली की समस्या है, एलर्जी हो गई है, सूजन आ गई है, रेडनेस आ गई है, और भी अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई है, सोरायसिस की अगर आपको समस्या है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, कैंडिडियासिस है, सेल्यूलाइटिस और किसी भी तरह का चर्म रोग है, तो इस क्रीम का यूज आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिलाएगा। कई बार कुछ लोग इसे चेहरे पर भी लगाते हैं, तो उस समय ध्यान रखें कि इसे लंबे समय तक आप ना लगाएं, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है, इस कारण बाद में इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं। यूज की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर इसे दिन में एक बार आपको लगाने के कहा जाता है, पर सीरियस कंडीशन में इसे दिन में दो बार भी लगाया जाता है, या फिर आप जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उस तरह आप इसका यूज करें। बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो है एप्लीकेटेड एरिया पर सूखापन आ जाना, खुजली होना, रेडनेस होना और आपको जलन होने की प्रॉब्लम नजर आ सकती है। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट नजर आए। अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।